नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चाइना के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जिस कंट्री के पास एनर्जी रिसोर्सेज एनफ हैं, पर्याप्त हैं, वो कंट्री उसके डेवलप होने के चांसेज भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके पीछे एक शर्त यह है कि अपने एनर्जी रिसोर्सेज को वो सही ढंग से यूज करे और अपने एनर्जी रिसोर्सेज की जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उस कंप्लीट क्षमता को वो जो है जनरेट करे। तो चाइना इस मामले में विश्व के धनी राष्ट्रों में से गिना जाता है। चाइना के पास एनर्जी रिसोर्सेज का अभाव नहीं है, चाइना के पास पर्याप्त एनर्जी रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और दूसरा, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है और एनर्जी की डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा है कि चाइना में मौजूद जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उसकी जितनी उसकी डिमांड है उस डिमांड को कंप्लीट करने में पूरा नहीं हो पाते। इस वजह से चाइना को कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर से इम्पोर्ट भी करने पड़ते हैं। तो आज हम चाइना में इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज चाइना में और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में और कहाँ कहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है। तो आप लोग जो है चाइना के इस एनर्जी रिसोर्सेज वाले पार्ट को भी ध्यान से, गौर से आप देखिएगा, आप सुनिएगा और इसको बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। जैसा मैंने आपको अपने पूरे वीडियो में भी बताया था कि बीए फाइनल के एग्जाम जो है वो हर हाल में होंगे, तो इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है और किसी भी तरह की अफवाहों में आपको नहीं आना। तो चलिए हम बात करते हैं चाइना के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। और मेरी एक और आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप लोग जो हैं इस पैंडेमिक के टाइम में अपने घरों में ही रहें और सेफ रहें और घरों पर बैठकर ही अपनी स्टडी को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। तो चलो बात करते हैं हम चाइना के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले कोयला। कोयला जो है वो उद्योगों की रोटी इसको कहते हैं, इंडस्ट्री जो है उसकी फूड है एक तरह से, और कोयले पर ही मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो बेस्ड है। और विश्व में अगर औद्योगिक क्रांति भी आई तो उसके पीछे भी मेन रीजन जो था वो कोयला ही था। तो चलिए बात करते हैं चाइना में कोयला की क्या कंडीशन है। चीन में कोयले का प्रयोग जो है वो 3490 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 3490 साल पूर्व से ही जो है चीन में कोयले का प्रयोग होता आ रहा है। और फुशन में विश्व में सर्वप्रथम कोयले का खनन जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था। तो 1000 ईस्वी पूर्व में एक तरह से आर्थिक रूप से जो कोयले का खनन जो है वो फुशन, चीन के फुशन में प्रारंभ हो गया था, और लगभग 4000 ईस्वी पूर्व से चीन जो है वो कोयले का उपयोग कर रहा है। कोयला भंडारों की दृष्टि से चीन जो है वो विश्व के समृद्ध देशों में, रिच कंट्री में गिना जाता है, और विश्व के 13.2% कोयले का जो रिजर्व है वो चीन में मौजूद है। चीन में कुल 138.8 बिलियन टन कोयले के भंडार मौजूद हैं, जिनमें से 62 बिलियन टन कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट टाइप का है, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स टाइप का है, और 52 मिलियन टन जो है वो लिग्नाइट किस्म के कोयले के भंडार है, और बाकी जो है वो अन्य प्रकार के कोयले के भंडार हैं। तो चीन भंडारों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यूएसए में 250.2 बिलियन टन जो है यूएसए में भंडार है, और विश्व में फर्स्ट रैंक पे है यूएसए कोयला के भंडारों की दृष्टि से। उसके बाद रूस का स्थान है, सेकंड रैंक पे रूस है 160.3 बिलियन टन, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 147.4 बिलियन टन, और चौथे नंबर पे है चाइना 138.8 बिलियन टन भंडारों के साथ। पांचवें नंबर पर भारत है, 101.3 बिलियन टन भंडार जो है वो भारत में मौजूद है कोयला के। चीन जो है विश्व का 45% कोयला उत्पादित करता है, और कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में चीन ने 3.84 बिलियन टन कोयला का जो है प्रोडक्शन किया था। 2018 में 1829 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, और 2015 में जो प्रोडक्शन था वो 90 मिलियन टन ही था।
तो देखिए 2015 के 90 मिलियन टन से चीन 2018 में 1829 मिलियन टन तक पहुंचा और 2020 में चीन ने 3.84 बिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन किया था। चीन जो है वो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, यानी थर्मल पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश भी चीन ही है। 2018 में 1907 मिलियन टन कोयले का उपभोग चीन में किया गया था, जो विश्व का 50% यानी जितना विश्व में जितना हुआ था कंजप्शन उसका 50% अकेला चीन कर रहा था। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला आयातक देश भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि चीन की पॉपुलेशन और चीन में एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा है कि चीन के जो कोल रिजर्व हैं, कोल प्रोडक्शन जो है वो उसके कंट्री के जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं आता, इसलिए उसे बाहर से आयात भी करना पड़ता है। ये देखिए चीन में कोयले के भंडार हैं। 2011 के अकॉर्डिंग चीन में कोयले के रिजर्वेशन आप देखिए जो बड़े सर्कल हैं, जैसे कि ये झांसी में है, तो ये जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हो ये बड़ा सर्कल जो है 80 प्लस बिलियन टन के भंडार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि झांसी जो एरिया है चीन में सबसे बड़ा कोयला के रिजर्व यहाँ पाए जाते हैं। इससे छोटे जो आप जो सर्कल देख रहे हो जैसे कि ये इनर मंगोलिया में है, यहाँ 40 से 80 बिलियन टन के कोयले के भंडार हैं। तो दूसरा प्रमुख कोयला रिजर्व जो है वो चीन में इसमें आंतरिक इनर मंगोलिया में है। इसके बाद ये थर्ड रैंक थर्ड जो आप जो सर्कल का साइज देख रहे हो जैसे कि झांसी स्टेट हो गया, जैसे कि शिनजियांग स्टेट हो गया, तो ये जो देख रहे हो आप ये यहाँ 20 से 40 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं, यानी शिनजियांग और झांसी। झांसी में सबसे ज्यादा भंडार है चीन के, झांसी प्रोविंस में सबसे ज्यादा, झांसी में उसके आंतरिक मंगोलिया में, उसके बाद फिर उसके बाद झांसी और शिनजियांग। उससे छोटा जो आप सर्कल आप देख रहे हो, ये जो आप सर्कल देख रहे हो जो मोस्टली चाइना में ज्यादा सर्कल यही है जो आप ये देख रहे हो, अनसुई हो गया, हेनान हो गया, या ये शानडोंग जो प्रायद्वीप है वो हो गया, या फिर ये गुआंगचू हो गया, या ये सिचुआन हो गया, या ये गांशु जो प्रोविंस है ये हो गया, या ये आंतरिक मंगोलिया का होलकियांग जो प्रोविंस है ये हो गया, लियोनिंग जो स्टेट है लियोनिंग स्टेट हो गए, या यूनान स्टेट हो गए, ये जो स्टेट हैं यहाँ पर 10 से 20 मिलियन टन के रिजर्व जो है वो मौजूद हैं। और उससे छोटे आप जो देख रहे हो, इससे छोटे ये जो देख रहे हो, इनमें भी थोड़ा बहुत कोयला पाया जाता है, यानी 10 बिलियन टन से कम ही, यानी 0 से 2 बिलियन टन ही कोयले के रिजर्व जो है यहाँ पर मोस्टली मिलते हैं। तो ये चीन में कोयला के रिजर्वेशन जो है इस मैप के जरिए आपको स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन में कोयला के प्रोडक्शन और रिजर्वेशन के बारे में। तो चीन के लगभग हर प्रांत में, अभी जैसा हमने मैप में भी देखा, हर प्रांत में किसी ना किसी किस्म का कोयला जो थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर मिलता है। लेकिन चीन के मेन जो कोयला एरिया है वो चीन के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी चीन में मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें कि एक तो झांसी और मंचूरिया जो स्टेट है और साथ में आंतरिक मंगोलिया स्टेट वहां पर मिलते हैं। चीन में 7 कोयला उत्पादक कंपनियां जो है वो मिलकर 100 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का प्रोडक्शन करती है, यानी 138 मिलियन टन मीट्रिक टन कोयले का प्रोडक्शन चीन ने किया था, उसमें से 100 मिलियन टन जो है अकेली 7 कंपनियां करती हैं। और वो 7 कंपनियां कौन सी है, सहनवा समूह, चाइना कोल समूह, झांसी कोल ग्रुप, केमिकल इंडस्ट्री, झांसी कोकिंग कोल ग्रुप, डाटोंग कोल माइन ग्रुप, जीहोंग एनर्जी ग्रुप, शोडोंग एनर्जी ग्रुप, ये प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियां हैं जो चीन में कार्यरत हैं। झांसी कोकिंग कोल ग्रुप जो है वो चीन की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। चलिए बात करते हैं हम चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले है झांसी झांसी कोयला क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी चीन में मौजूद है और ये चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। मैप में आप देखिए झांसी झांसी प्रोविंस के बारे में को दिखाया गया है, तो ये देखिए आप मैप में, चीन के मैप में ये है झांसी प्रोविंस, यहीं पर हमने जो चीन के रिजर्वेशन देखे थे उसमें सबसे बड़ा सर्कल जो था वो यहीं पर ही बना हुआ था। तो चीन का सबसे बड़ा कोयले का भंडार यहीं झांसी
स्टेट में ही पाया जाता है। इसके साउथ में ये जो पार्ट है ये सैनसी है, तो सांसी और सैनसी मिलकर चीन का सबसे बड़ा कोयला प्रोडक्टिव एरिया है। इस सांसी सैनसी एरिया में कुल 163 कोल माइंस जो मौजूद हैं, और जहां से सांसी कोकिंग कोल ग्रुप कोयला जो कंपनी जो कोयला निकालने का काम करती है। इस एरिया में लगभग 146.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, और जो चीन के कुल उत्पादन का, चीन का जो कुल प्रोडक्शन है उसका लगभग 50% पार्ट है। शांसी प्रांत में डाटांग या टांटुंग जो है ये सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये आप देखिए, इस में आप देखिए ये पिंगशुहू, ये चीन माइंस है, चीन में कोयले की माइंस। तियान, ये तयुआन, ये भी कोयले की माइंस है। तो ये चीन की इसमें शांसी में प्रमुख कोयले की माइंस है। इसके अलावा डाटांग टांटुंग सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र शांसी प्रांत में। दूसरा जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र वो है आंतरिक मंगोलिया, इनर मंगोलिया। आंतरिक मंगोलिया चीन का दूसरा बड़ा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और आंतरिक मंगोलिया में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये चीन के मैप में ये आंतरिक मंगोलिया है। तो ये आंतरिक मंगोलिया जो है ये दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है चीन में, और यहाँ जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है उनमें हुलिनहो, बाउरी जिले, हुआंगशान, वुलान तुंगा, योनबाओशान, सुलेटू, सेनशांग, डोंगसेंग, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये चीन के इस मैप में भी आप देखिए, इसमें जो ये दे रखे हैं, तो ये बाओ जो मैं आपको बता रहा था, बाउरी जिले, ये वो पार्ट है, और इसके नीचे ये हुलेनबियर पार्ट, और ये तोंगलियो, चीफेंग, ये जो मैं आपको बता रहा था हुआंगशान, ये युआन बाओशान, ये वुलान टुगा, सिलिनहोट, ये सुलेटू, होउहोट, शेनशांग, डोंगशेंग, ओर्डोस। ओर्डोस बेसिन है चीन में, यहाँ पर ये एक बेसिन है ओर्डोस बेसिन, ये चीन के इस आंतरिक मंगोलिया के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो सारी के सारी ये कोल माइंस हैं, और जो ये डॉट में देख रहे हो ये सिटीज हैं यहाँ की प्रमुख इस एरिया के। फिर इसके बाद आनहुई, अगला जो है वो है आनहुई प्रांत में हुआइनान और हुआबी क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ये देखिए, ये दूसरे मैप में आप देखिए, ये है आनहुई स्टेट जो है, ये आनहुई स्टेट है। तो आनहुई स्टेट में जिसे आपको मैं बता रहा हूँ हुआइनान और हुआबी, ये देखिए आप, ये हुआइनान कोल फील्ड ये आपको दे रखा है इसमें, जहाँ जुहुजी माइंस जो है, ये जुहुजी माइन, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये जैसे मैंने आपको बताया जुहुजी माइन, ये प्रमुख कोयला उत्पादक माइन है, कहां पर, आनहुई प्रांत में। चलिए चीन के कुछ और प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इनमें एक है शांटुंग हुपई कोयला क्षेत्र, शांटुंग हुपई कोयला क्षेत्र, तो ये भी उत्तरी चीन में स्थित कोयला क्षेत्र है, और येनचाउ जो है यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक है। शांटुंग या शाडोंग जो प्रायद्वीप है उसके से कहते हैं, ये देखिए ये है शांटुंग हुपई कोयला क्षेत्र। तो शांटुंग हुपई कोयला क्षेत्र चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है ये, तो ये भी एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है चीन में। नेक्स्ट है क्यांगसू प्रांत में सूचाऊ, तो क्यांगसू प्रांत जो है, क्यांगसू प्रांत में भी सूचाऊ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो नेक्स्ट है कविचाऊ प्रांत में लिपू, कविचाऊ प्रांत में लिपू पान तो ये साउथ में चीन के दक्षिणी भाग में मौजूद है कविचाऊ प्रांत जो है, तो कविचाऊ प्रांत में लिपू पान। इसके बाद है हेनान प्रांत में पिंगडिंग, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो हेनान प्रांत ये आप देखिए इसी शांडोंग के जस्ट नीचे की ओर ये मौजूद है हेनान प्रांत, और उसके बाद हेगी प्रांत में काइलू आन, तो ये चीन के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऊपर जो ये मैप बना हुआ इस मैप में आप देख सकते हैं, इस मैप में चीन के कोयला रिजर्व के बारे में, कोयला डिपॉजिट के बारे में आपको बताया गया है।
ये देखिए, ये है चीन का सबसे बड़ा कोयला रिजर्व क्षेत्र जिसका नाम है सांसी सेंसी कोल फील्ड। और उसके बाद देखिए, ये है शांटुंग हुपई कोल क्षेत्र, शांटुंग हुपई फील्ड, तो ये दूसरा क्षेत्र है। और तीसरा देखिए द मंचूरियन फील्ड, तो ये मंचूरियन कोल रिजर्व है, मंचूरियन फील्ड। इसके अलावा इसके पास में ये यानी आंतरिक मंगोलिया कोल फील्ड क्षेत्र ये भी मौजूद है। तो ये चीन के प्रमुख बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो कोयला है साउथ में, आप यहाँ देखिए यूनान पठार के आसपास का जो एरिया है, गिविचाहू यूनान, वहां पर भी थोड़ा बहुत कोयले का यहाँ भी प्रोडक्शन होता है, पाया जाता है। इसके अलावा चीन के पूर्वी भाग में ये फुजियान है, जियांगसी है, तो ये चीन के पूर्वी भाग में फुजियान जियांगसी ये जो स्टेट है, यहाँ पर भी कोयले का रिजर्व पाया जाता है। और पश्चिम में ये जो सीजियांग जो प्रोविंस है, वहां पर भी कोयले के रिजर्व पाए जाते हैं। ये चीन में देखिए आप जो मैप है, ये चीन में कोल कंजप्शन है मिलियन टन में, आपको इसमें मैप में दिखाया गया है। तो जो बड़े सर्कल बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ इनर मंगोलिया में है, जैसे कि शांटुंग प्रायद्वीप में है, जैसे कि शंघाई प्रोविंस में है, ये जो बड़े हैं ये 150 से 200 मिलियन टन कोल कंजप्शन के एरिया हैं। और इससे छोटे जो हैं, ये आप जो देख रहे हो इससे छोटे, ये 100 से 150 मिलियन टन, और उससे छोटे 50 से 100 मिलियन टन, और सबसे छोटे जो ये आप देख रहे हो ये 0 से 50 मिलियन टन कोल कंजप्शन वाले एरिया हैं। और कलर्स जो है, वो कलर्स के अकॉर्डिंग जो ब्लू कलर है वो एंथ्रेसाइट कोल कंजप्शन को दिखा रहा है, और जो रेडिश जो कलर है ये बिटुमिन्स कोल कंजप्शन को शो कर रहा है, और जो ग्रीन कलर है ये लाइट कोल कंजप्शन को, और जो ब्लैक है ये कोल गेंगू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीन के मैप में आप कोल जो रिजर्व एरिया है वो, और चीन में कोल कंजप्शन और प्रोडक्टिव एरिया के बारे में हमने बात की। और मैप आप देख लीजिए, मैप के जरिए चीन में कोल प्रोडक्शन और कोल जो है माइंस के बारे में, तो कोल प्रोडक्शन का अगर हम देखें तो देखिए 2020 में कोल प्रोडक्शन का ये जो एरिया है, जिसको कि हमने शांसी सेंसी कोल एरिया नाम दिया था, ये सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन का एरिया है सांसी सेंसी क्षेत्र। इसके अलावा ये देखिए आप इनर मंगोलिया और मंचूरिया का क्षेत्र, इनर मंगोलिया का क्षेत्र, और ये तीसरा आप देख रहे हो जो सीजियांग पश्चिम में सीजियांग स्टेट का, और साउथ में आप ये देखिए ये यूनान पार्ट है, और ये शोडोंग और हुपाई का एरिया है, ये सांसी सेंसी का एरिया, शोडोंग हुपाई का एरिया, आंतरिक मंगोलिया मंचूरिया का क्षेत्र, सीजियांग स्टेट और यूनान स्टेट। और यहाँ इनके 100 मिलियन टन में इनकी जो क्वांटिटी दी गई है, और वो साइज दिए हुए इनके सर्कल के, कि कौन से सर्कल के किस साइज से कितना प्रोडक्शन है। और ये चीन के कुछ प्रमुख कोल माइन है, तो ये ऊपर हिलियोंग जियांग स्टेट में, जिलिन स्टेट में, यहाँ ये जिलिन स्टेट में मौजूद है, और इसके बाद ये आंतरिक मंगोलिया में, इनर मंगोलिया में, ये इनर मंगोलिया में नियोम मंगोल, और ये है भाई शांसी की, देखिए आप जो स्टार में दी गई है ये शांसी स्टेट की प्रमुख, ये शांसी स्टेट की स्टार में जितनी भी दी गई है कोल माइंस हैं चीन में कोल माइंस, तो ये जितने भी स्टार में आप इस मैप में देख रहे हो, ये देखिए गिवचाऊ स्टेट, यहाँ पर भी कोयले की ये स्टार में जो आप देख रहे हो। तो ये हमने चीन में आज कोयला और उसके एरिया के बारे में, कोयल प्रोडक्शन और उसके एरिया के बारे में हमने बात की। पेट्रोलियम संसाधन जो है ये हम नेक्स्ट अगली अपनी वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। आप इसके इसे बार बार रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, आप घर बैठ कर अपनी तैयारी कीजिए कंटिन्यू। पेट्रोलियम संसाधन आज हम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आप भी फिर आपका डाटा जो है वो ज़्यादा लगेगा इसमें वीडियो को देखने के लिए। तो हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट रखने की, तो नेक्स्ट जो क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में, वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस चीन में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एरिया और उनके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना कीजिए। थैंक यू सो मच।